अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आज का जो हमारा सबक है वो है उर्दू का और उर्दू में हम आज सीखेंगे हरूफ तहजी हरूफ तहजी में सबसे पहले हम देखेंगे आज अलिफ का ख़ानदान अलिफ के ख़ानदान में कौन कौन है अलिफ में सबसे पहले अलिफ है फिर है अलिफ मद आ आरह से हमारे लेटर्स की साउंड्स होती हैं इसी तरह बिल्कुल हमारे हरूफ तहजी की भी साउंड्स होती हैं आवाज़ें होती हैं अलिफ़ की आवाज़ है आ अंडा आ अखरोट आ अनार इसी तरह अलिफ मदा की आवाज़ भी है आम आ आँख आ आँख तो आज हम सीखेंगे कि अलिफ अलिफ का ख़ानदान और उसको किस तरीके से राइट करना है सबसे पहले अलिफ़ है तो अलिफ को कैसे हम राइट करेंगे ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और नीचे तीसरी लाइन पे आके फिनिश करेंगे कितनी लाइंस में करेंगे हम इसको वन टू थ्री तीन लाइनों परिफ अलिफ लिखेंगे खड़ी लकीर इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं इसी तरह अलिफ का एक भाई भी है इसको भी बिल्कुल ऐसे ही राइट करेंगे एक लकीर लगाएंगे थर्ड लाइन तक और इसके दोनों एक जैसे हैं लेकिन अलिफ मद आ जो अलीफ का भाई है उसने सर पे क्या पहना हुआ है उसने सर पे क्या पहना हुआ है हैट पहनी हुई है दोबारा से राइट करते हैं हमने अलीफ को ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करना है और वन टू थ्री थर्ड लाइन पे आके एंड करना है ऐसे अलिफ के बाद अलिफ का भाई अलीफ आ सेम ऐसे ही लेकिन अलीफ अकमद के भाई ने सर पे क्या पहना हुआ है हैट. इसको हम कैसे बनाएंगे जो हैट है ना इसको हमने कैसे बनाना है पहले हमने बनाना है स्माइली स्माइली फेस फिर इसको नीचे लेके आना है ऐसे उम्मीद है कि आप सबने लर्न कर लिया होगा कि अलिफ को कैसे राइट करना है और अलीफ मदहा को कैसे राइट करना है